હવે હું છે જો રોડ બી ખાલી છે, હવા બી આવી રહી છે, હવે ભાગવાનું હું છે, આરામથી હાલ ને ભાઈ. શાબાશ 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 પપ્પા શાબાશ. આ હું તારેથી આજ એક્સપેક્ટ કરું છું, આગળ જઈને લીડ ઉભા કરો ને બધાને ગાઈડ કરો. આજ તારો કામ છે ભાગવા, તારો કામ ભાગવાનું નથી. ગેપ બળા, ગેપ હવા આ રહી છે. વોટ અ વ્યૂ, બ્યુટિફુલ. ये है जी हमारा बाइकों का फ्लीट, और हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त पीर चिनासी के मज़ार पर. और ख़ूबसूरत मौसम है, चारों तरफ खूबसूरत वादियां हैं, मौसम ठंडा है काफ़ी. आते आते ज़ाहिर शर्ट गीली हो गई, नीचे से गर्मी थी, लेकिन अभी तो यहाँ काफ़ी ठंडा मौसम है ज़बरदस्त. थोड़ी देर में जैकेट शैकेट पहनने का टाइम हो जाएगा, और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है. और यहाँ सारे बहुत सारे जो है वो स्टॉल्स बने हुए, चाय वगैरह पीनी हो या कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स के लिए काफ़ी सारी शॉप्स अब यहाँ भी बनी हुई है. और ये पीछे की तरफ भी सारे लगे हुए टूरिस्ट के लिए, ये सारा खाने पीने का इंतज़ाम हो सकता है, या जो रिफ़्रेशमेंट करना चाहें तो शाम का टाइम. और ये एक और रास्ता, एक ट्रेल है ये छोटी सी, ये टॉप पे जाने का. अब यहाँ तक वो कह रहे हैं बाइक्स तो जा सकती हैं, देखते हैं अगर मूड होता है तो जाते हैं, वरना ये है नज़ारा खूबसूरत. अच्छा जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं पीर चिनासी पे, और मज़ार मेरे इस वक्त पीछे मौजूद है. और यहाँ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं पीर साहब बुखारी साहब, जो हैं वो पीर इफ्तिखार साहब, वो तारुफ कराएंगे. और उन्होंने कुछ लंगर शंगर का, न्याज का कुछ बंदोबस्त किया है हमारे लिए. बहुत ही मोहब्बत से उन्होंने वेलकम किया, बहुत ही मोहब्बत से हमें जो है वो ये पेश कर रहे हैं. तो पीर साहब को ज़रा तारुफ करा दें. पीर साहब आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मैं बाबा शाह हुसैन बुखारी की औलाद में से हूँ. सईद इफ्तिखार शाह मेरा नाम है. बड़े भाई हैं पीर सईद जान पीर बुखारी गदी नशीन. और ये सिलसिला 380 साल हो गए हैं सरकार शाह हुसैन बुखारी को. पीर चिनासी बलोट शरीफ से आए हैं, डेरा इस्माइल खान से. तो दीन की तबलीग करते हुए आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके पर्दा कर गए. और उसके बाद ये एक निज़ाम, एक सिलसिला बाविदाद से चला आ रहा है. तो पहले हमारे बुज़ुर्ग थे, अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी नस्लें आई. यहाँ रोड्स नहीं थी, ये औलिया अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये इतना खूबसूरत रोड बन गया. पहले जो हमारे बुज़ुर्गों के खिदमतगार लोग थे वो मुजफ़्फ़राबाद से पैदल आया करते थे पीर चिनासी. तो उस वक़्त भी यहाँ उर्स की तकरीबात होती थी, घोड़ों और खचरों पे जो उर्स का सामान होता था लंगर के लिए वो लाया जाता था. तो ये एक सिलसिला चल रहा है. आप लोग आए जैसे आपको मिले, ऐसे तकरीबन यहाँ जो भी आता उसको मिलते हैं. तो जो अपने बस में होता है वो खिदमत खातिर करते हैं, और अल्लाह के फजल करम से एक निज़ाम, एक दरगाही निज़ाम एक चल रहा है. बहुत शुक्रिया शाह साहब नज़र पेश करने, न्याज पेश करने के लिए भी आपकी मोहब्बत है. और हम जो है वो इस वक्त ये ज़रा सा एक न्याज वगैरह करते हैं, और फिर इंशाल्लाह दोबारा रवानगी के लिए तैयार होते हैं. बहुत शुक्रिया.
खुश रहें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह।